इज कॉल्ड ओके रीड करो चलो। ओके मैम। देयर इज नो एलिवेटर Elevator to success. There are no elevator to success. You have to take the stairs. The first step is always hardest to success. તે હંમેશા સક્સેસ મેળવવી હોય તો એનું પહેલું સ્ટેપ જે છે ને એ તો બહુ અઘરું જ હોય છે. પછીના સ્ટેપ જે હોય છે એ આપણે ઇઝીલી પાર કરી લઈએ છીએ, પણ ફર્સ્ટ સ્ટેપ પર પહોંચવા માટે આપણે ખૂબ જ મહેનત કરવી પડે છે, સખત મહેનત કરવી પડે છે, ત્યારે જ આપણે સક્સેસ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. બરાબર ને? ચાલો આજના અસરસ મજાના થોટ સાથે આપણે આજના દિવસની શરૂઆત કરીએ. ચલો લાસ્ટ લેક્ચર મેં હમને ક્યાં સમજાયા થા, ચલો કોણ બતાયેગા? चैप्टर नंबर फाइव, हाँ बेटा चैप्टर नंबर फाइव समझाया था, नहीं चैप्टर नंबर फोर समझाया था। चैप्टर नंबर फोर, सोच अपनी अपनी। चित्र में देखा था ना हमने, इस लेसन नंबर फोर में सोच अपनी अपनी, यानी कि सबकी सोच अलग अलग होती है. तो इस चित्र में कैसे, कब और क्या हो रहा है, तो हम सब ने ये चित्र समझ लिया था ना कि यहाँ पर एक खुला आसमान है और आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, सूर्य भी निकल चुका है, सुबह हो चुकी है, और यह दृश्य जो है वो एक गांव का दृश्य दिखाई दे रहा है. दिखाई दे रहा है ना गांव का दृश्य? तो यहाँ पर कच्चे मकान है, वो कितने मकान है? पांच मकान है. और मकान के पीछे एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है, और उसकी बाजू में देखे तो दो नारियल के पेड़ है, और इस तरफ देखे तो हरियाली, बहुत ही हरियाली हरियाली छाई हुई है, और गाय चूहे वो घास खा रही है, और एक गाय खड़ी हुई है, एक गाय घास खा रही है, और चरवाहा जो है वो अपनी लकड़ी टिकाए खड़ा है. उसके बाजू में से एक बड़ा सा रास्ता जा रहा है, रास्ते पर एक एक व्यक्ति लकड़ी लेकर अपने कंधे पर लकड़ी टिकाए जा रहा है, और उसके पीछे पीछे एक कुत्ता भी जा रहा है, और इसकी दूसरी ओर देखे रास्ते की तो यहाँ पर एक बगीचा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और तितलियां उड़ रही है, और बच्चे जो है वो तितलियों को पकड़ने जा रहे हैं. तो आप सबको ये चित्र समझ में आ गया बेटा? यस मैम. ओके ओके, तो चलो, तो आपने आज हमें समझी शू लेसन नंबर पांच. તો આપણે ચિડિયાઘર થી શેર જો છે એ લેસન પણ આપણે કાલે રીડ કર્યું હતું, બરાબર ને? તો આજે આપણે આ લેસન ને સમજી લેશું. ઓકે ગર્લ્સ? ઓકે ઓકે, તો લેસન નંબર પાંચ, ચિડિયાઘર કી શેર. तो इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है, यानी कि चिड़ियाघर यानी कि प्राणी संग्रहालय, जू. तो जू में क्या होता है?
कुछ जानवर पशु पक्षी आदि सब होते हैं, तो हमें उसकी यहाँ पर पहचान करवाई है कि वो कैसा होता है वो। तो चलो आज हम करते हैं चिड़ियाघर की सैर। तो गीता कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी, यानी कि गीता अने तेना दादाजी जे छे ए बन्ने कई जगह फरवा गया था, प्राणी संग्रहालय में, जू में। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी, यानी कि सिंह पिंजरो हतु इन्हें जोवा माटे बहुत बधा एक्साइटेड हता, अने एनी पासे बहुत बधा लोको जे छे ई उभा हता। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। शेरे अवाज करियो, यानी कि सिंहे गर्जना करी, तो बधा ज लोको जे त्यां उभा हता ने એ ડરીને પાછળ હટી ગયા। સામને લોગ બંદર કો મૂંગફલી ઓર કેલા ખિલા રહે થે। તો મૂંગફલી ઓર કેલા દેના યહાં પર મના હૈ એસા લિખા થા, ફિર ભી સબ ઉસે ખાને કો દે રહે હૈ। તો દાદાજી કહેતે હૈ કિ દેખો, વહ લિખા હૈ કિ ચિડિયાઘર કે જાનવરો કો ખાના દેના મના હૈ। ગીતા બોલ ઉઠી, દાદાજી वह देखते काले हैं बंदर। गीता क्या बोलती कि देखिए दादाजी, यहाँ पर तो काले मूंछ वाला बंदर है। तो दादाजी कहते हैं, फिर दादाजी हंस पड़े और कहने लगे कि बिटिया, वह लंगूर है और लंगूर का मुंह काला होता है, यानी कि तुमने बताने खबर है कि वांदरा हो, વાંદરામાં ઘણી જાતિ અલગ અલગ એની પ્રજાતિઓ હોય છે। તો અહીંયા પણ એવું જ છે કે બધા જ વાંદરા જે છે ને, બધાની પ્રજાતિ અલગ અલગ હોય છે। એમાંથી અહીંયા જે કાળા મોઢા વાળા હોય ને, ઈ વાંદરા અહીંયા બતાવ્યા છે। તો કહે છે કે એનું મોમ મોઢું કાળું છે, તો એને શું કહેવામાં આવે છે? લંગૂર કહેવામાં આવે છે। એક જગ્યા હિપોપોટેમસ દેખાઈ દીયા, યાની કે ગેંડા દેખાઈ દીયા, જિસકી નાક પર બડા સા સિંગ થા। આપ સબને દેખા હોગા કે સભી પ્રાણીઓ કે માથે પર સિંગ હોતે હૈ, લેકિન યે એક હિપોપોટેમસ હી એસા પ્રાણી હૈ જિસકી નાક પર સિંગ થા। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई और वहां भालू दो पैरों पर खड़ा था, यानी कि गीता जैसे ई दादाजी ने खींची ने आगे ले गई हती। और कहवाय छे के त्याज जोयू तो त्या एक भालू देखायु, यानी कि रीछ, जेने इंग्लिश में आपणे बियर कहे छे ने, ए एक तालाब में रंगे रंगी मछली और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी, वह देखिए पत्थर चल रहा है। तो दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया, यह कछुआ है, जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपनी खोल में छिपा लेता है, और खोल इसका रक्षक है। બધાએ કાચબાને જોયો હોય પણ આપણને કાચબાની ખબર ના હોય, તો અહીંયા આપણને દેખાડે છે કે કાચબો જે છે ને, એની ઉપરનું જે સ્તર હોય ને, જે આપણને અહીંયા દેખાય છે ઉપર ડિઝાઇન વાળું દેખાય છે ને, તમને બધાને દેખાય છે? આ જે દેખાય છે ને, જે દેખાય છે ને કાચબો, એની ઉપર જે આ હાડ પડ હોય ને, એને શું કહેવાય છે ખબર છે? એનું રક્ષક છે, અને એ પડની નીચે એટલી જગ્યા હોય
એની જયારે ડર લાગે ને ત્યારે એના હાથ પગ અને મોઢું જે છે ને અંદર લઈ જાય, એટલે કોઈને ખબર જ ન પડે કે અહીંયા પથ્થર પડ્યો છે કે કાચબો પડ્યો છે. અને એનું ઉપરની જે ખોલ હોય ને, એટલે એમ કે એનું જે પડ હોય ને ઉપરનું આવરણ હોય ને, એ પણ એટલું હાર્ડ હોય ને કે એની ઉપર કદાચ ટ્રક ચાલ્યો જાય ને તો પણ એને કાંઈ ન થાય. કાચબાનું ઉપરનું આવરણ જે છે ને એટલું મજબૂત અને સખત હોય છે. ફિર ગીતા જો હે વો દોડ કર આગે ગઈ ઓર એક બડે તાલાબ મે ઉસને ક્યા દેખા મગરમચ્છ તેર રહે થે. જૈસે હી એક મગરમચ્છ ને મુંહ ખોલા ગીતા ડર કર દાદાજી કા હાથ પકડ લિયા. હમ ભી કભી કહીં પર જાતે હૈ તો હમે કુછ ડર લગતા હૈ, તો હમ ભી હમારે સાથ જો હોતે ઉસકા હાથ પકડ લેતે, યા તો મમ્મી હોતી હૈ તો ઉસકે હમ ડ્રેસ પકડ લેતે હૈ, ઉસકા દુપટ્ટા પકડ લેતે, કરતે હૈ ના એસા. તો યહાં પર ભી મગરમચ્છ ને મુંહ ખોલા તો ગીતા ને ડર કર દાદાજી કા હાથ પકડ લિયા. કુછ ઓર આગે બડા સા પિંજરા થા ઓર ઉસમે બહુત સી ચિડિયા થી. ગીતા ને ખુશી સે તાલી બજાઈ ઓર કહા વહ દેખો હરિયલ તોતા. દાદાજી ને કહા હા ઓર ઉધર દેખો વહ સફેદ વાલા વિદેશી કાતુઆ હૈ ઓર ઇસે કાતુઆ કહેતે હૈ. યાની કે યે સફેદ તોતા જો હે ઉસે ક્યા કોન સા નામ દિયા ગયા હૈ કાતુઆ, તો ઇસે કાતુઆ કહેતે હૈ. ગીતા ફિર ચહક કર બોલી યાની કે ખુશ હોકર બોલી દાદાજી કુછ ચિડિયા તો હમારે ઘર કે પાસ ભી દિખાઈ દેતી હૈ. જૈસે કે આ જો ચકલી છે ને એ દેખાય છે ને બધાને, તો આપણા ઘરની આજુબાજુ ચકલીઓ તો ઘણી બધી જોવા મળે ને આપણને. પિછલે સાલ પિકનિક પર હમને બાગ મે નાચતે હુએ મોર કો ભી દેખા થા. દાદાજી ને ગીતા કો બતાયા કે સબસે બડા પક્ષી શુતુરમુર્ગ હોતા હૈ, વહ દેખો શુતુરમુર્ગ પેડ કી છાયા મે પડા હૈ. ક્યા કહે રહે હૈ મોર કી પિછલી સાલ પિકનિક પર હમને બાગ મે નાચતા હુઆ મોર ભી દેખા થા ઓર દાદાજી ને ગીતા કો બતાયા કે સબસે બડા પક્ષી શુતુરમુર્ગ હોતા હૈ, યાની કે ઓસ્ટ્રિચ. તમે લોકો જેને ઇંગ્લિશમાં ઓસ્ટ્રિચ કહેવાય ને આપણે, તો એને આપણે હિન્દીમાં શુતુરમુર્ગ કહેવાય છે, અને ગુજરાતીમાં એને કહેવાય છે શાહમૃગ. શું કહેવાય છે ગુજરાતીમાં? શાહમૃગ કહેવાય છે. વહ દેખો શુતુરમુર્ગ પેડ કી છાયા મે પડા હૈ, અને શુતુરમુર્ગ જે છે ને એ એક વૃક્ષની છાયામાં ઉભો હતો. ચિડિયા ઘર મે હાથી ઓર ઊંટ કી સવારી ભી કર સકતે હૈ, યાની કે ચિડિયા ઘર મે હાથી ઓર ઊંટ જો થે વો વહા પર ખુલ્લે મે ઘૂમ રહે થે, ઓર જિન બચ્ચો કો ઉસ પર સવારી કરની હો વો ઉસ પર સવારી કર ભી સકતે થે. સામને આઈસ્ક્રીમ કા એક ઠેલા થા. ઠેલા યાની કે આપ સબને દેખા હોગા કે હમ જબ કોઈ બાગ મે યા પાર્ક મે જાતે હૈ તો વહા પર એક લોરી મે આઈસ્ક્રીમ બેચને વાલા હોતા હૈ, તો ઉસે ક્યા કહેતે હૈ આઈસ્ક્રીમ કા એક થેલા કહેતે હૈ. દાદાજી ને અપની લકડી ટીકાઈ ઓર ગીતા કે લિયે આઈસ્ક્રીમ ખરીદી. અબ તક દોનો થક ચુકે થે ઓર વે ચિડિયા ઘર કે દરવાજે સે બહાર આયે ઓર બસ પકડી ઓર અપને ઘર આ ગયે. યાની કે દાદાજી ઓર ગીતા ને આઈસ્ક્રીમ ખાઈ ઓર દાદાજી ને બાદ મે દોનો બિલકુલ થક ચુકે થે ઓર વે દોનો ચિડિયા ઘર કે બહાર નિકલ આયે ઓર બાદ મે ઉસને બસ પકડી ઓર અપને ઘર આ ગયે. તો યે હુઆ હમારા લેસન નંબર 5 ચિડિયા ઘર કી સે, જહાં પર ગીતા ઓર ઉસકે દાદાજી ગયે થે. તો ચલો ઇસ લેસન મે કુછ એસા હૈ જો કિસી કો ન સમજ મે આયા હો બેટા? હેલો ગર્લ્સ, નો મેમ. ગર્લ્સ આ લેસન માં કઈ એવું છે કે જે તમને ન સમજાયું હોય? મારો અવાજ સંભળાય છે બેટા?
गर्ल, नो मैम, बता ने समझाया क्वेश्चन? हाँ मैम, हाँ मैम, यस यस ओके मैम, ओके चलो। तो यहाँ अब हम देख लेते हैं, लेसन फोर में एक कहानी आती है, तो उस कहानी को हम देख लेते हैं। कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? चलो सबको दिखाई दे रहे हैं, कौन बताएगा यहाँ पे इस कहानी में? हाँ? कौन कौन से पात्र हैं इस कहानी में? हेलो मैम, यहाँ गर्ल, पे एक कुत्ता और नहीं बिल्ली, एक और वो दोनों है ना, रोटी के लिए, चपाती के लिए, बे फाइट, दोनों फाइट कर रहे थे। बाद में एक मंकी आया, बंदर आया और तो उस रोटी को उसने तरह क्या जू पे रोटी मुक दी, मीन्स उसके दो पार्ट कर दी, एक एक में से खा लिया, दूसरे में, और कहता है इसमें ज्यादा हो गया, दूसरे में खा लिया, पहले में से खा लिया, ऐसे ऐसे कर कर करके पूरा फिनिश कर लिया। और पूरा जब फिनिश हो गया था तब वो चला गया, और फिर नौ वो बिंदिया दोनों एक दूसरे के मुंह देखती रह गई और दोनों को पछतावा हुआ। हाँ चलो, तो यहाँ पर ये जो कहानी है उसमें एक बार की बात है, दो बिल्लियां थी, एक सफेद और एक काली थी। दोनों को भूख लगी, उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगे और इतने में एक बंदर आया। और वह क्या लाया? देखो, बंदर क्या लेकर आया? बंदर तराजू। तराजू लेकर आया। तो तराजू यानी कि जिन्हें आप गुजराती में वजन करवा माटे नु साधन कहे छे, थे उसने रोटी के दो टुकड़े किए और उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था और दूसरा हल्का था। उसने भारी पलड़े को टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया और इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। जिस साइड ज्यादा वजन हो उस साइड से वह खाने लगा। तो ऐसा करते करते उसने सारी रोटी खा ली और दोनों बिल्लियां जो है वो एक दूसरे का मुंह देखती रह गई और दोनों को बहुत पछतावा हुआ। तो आ बेनी वच्चे जे वांदरो छे ई फावी जाय छे અને આખી રોટલી ખાઈને જતો રહે છે। બંને બિલ્લી જે છે દેખાય છે ને તમને બધાને, જો અહીંયા અહીંયા એક બિલાડી રોટલી લઈને જતી રહે છે તો બીજી બિલાડી એની પાછળ દોડે છે, અને અહીંયા તો બંને બિલાડી ઝઘડે છે। અને ચોથા ચિત્રમાં જોઈએ તો વાંદરો તરાજુ લઈને આવે છે અને રોટલીનું વજન કરવા લાગે છે। એક કટકો આમાંથી ખાય છે, એક કટકો આમાંથી ખાય છે, એમ કરતા કરતા એ આખી રોટલી ખાઈ જાય છે અને બંને બિલાડી છે એ જોતી રહી જાય છે અને બંનેને ખૂબ જ પછતાવો થાય છે કે આપણા બેયનમાંથી કોઈને ન મળી અને વાંદરો જે છે એ આખી રોટલી ખાઈને ચાલ્યો જાય છે। તો હંમેશા આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે બધાની સાથે હળી મળીને રહેવું જોઈએ, હળી મળીને ભાગ પાડીને વસ્તુઓ શેર કરીને ખાવી જોઈએ, નહીં કે એમાં કોઈ ત્રીજું આવીને આપણા ભાગ પાડે તો પછી એમાં ત્રણ ભાગ થઈ જાય છે। તો અહીંયા તો બિલાડીને એવું થયું કે ત્રણ ભાગ નહીં પણ પૂરી રોટલી જ વાંદરો ખાઈ જાય છે। તો આપણે હંમેશા શેર કરીને એકબીજા સાથે મળીને જ ખાવું જોઈએ, નહીંતર આપણને બિલાડી જેવો વારો આવે કે પછી છેલ્લે આપણા હાથમાં કાંઈ ન રહે અને ત્રીજો કોઈ આવીને ખાઈ જાય છે।
समझाई गई आ स्टोरी। चलो कौन कैसे चलो कोई कैसे आ स्टोरी कोई ने गर्ल्स गर्ल्स સંભળાય છે મારો અવાજ આવે છે બેટા હેલો ગર્લ્સ મેમ હું કહું હા કોણ ફાતિમા બહાર જાય છે ફાતિમા બહાર જાય છે હા ઓકે એક ઘરમાં બે બિલાડી આવી બે બિલ્લી આવી और उन दोनों को बहुत भूख लगी थी ना तो दोनों बिल्लियों को एक चपाती मिली और वो दोनों झगड़ रहे थे एक चपाती खाने के लिए कि कोई भी एक बिल्ली को पूरी चपाती खानी है। तो वहां पे बंदर आया और बंदर ने देखा कि ये दोनों झगड़ रहे हैं और उसने दो रोटी उसने एक रोटी ली उसके दो हिस्से किए और तराजू पे रख दिया और जहाँ पे देखा उसने कि एक एक साइड का जो रोटी थी वो ज्यादा भारी थी उसने टुकड़ा लेके उसने खा लिया। बाद में फिर देखा दूसरी साइड की भी भारी हो गई तो इस तरह दूसरी सारी रोटी खा खा के चला गया वो और ये तो जो बिल्ली है वो एक दूसरे के सामने रही थी। ओके चलो नेक्स्ट कोई बताएगा हेलो गर्ल्स यस मैम हाँ चलो कोई बता सकता है इस स्टोरी को मैम हाँ तो बताओ आप मैम बोले छोड़ा एक घर में दो बिल्लियां थी उसमें उस उन दोनों को बहुत भूख लगी थी तो वो ना एक बिल्ली खाना ढूंढने गई और उसको एक चपाती मिल गई। चपाती के लिए है ना वो दो दोनों बिल्लियां झगड़ रही थी उतने में एक बंदर आया और बंदर ने चपाती के दोनों टुकड़े करके तराजू में डाल दी और तराजू में एक टुकड़ा भारी हो गया और एक हल्का हो गया। तो है ना जो जिसमें भी ज्यादा था ना वो खा गया बंदर उसमें से थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बंदर पूरा खा गया और दोनों बिल्लियां अपने मुंह देखते रह गई। ओके वेरी गुड बेटा चलो नेक्स्ट कोई बता सकता है मैम कैन आई बॉडी वाला मरियम। हाँ ओके बॉडी वाला मरियम। एक बार दो बिल्लियां थी और उनके पास एक चपाती थी और दोनों बहुत लड़ रहे थे और बाद में एक बंदर आया वो दोनों लड़ रहे थे। बाद में उसने एक तराजू लिया उसमें रोटी के दो हिस्से कर कर रख दिए और जिसमें ज्यादा रोटी थी वो खाता गया और रोटी और चपाती पूरी हो गई और दोनों बिल्ली और बंदर खाकर चला गया और दोनों बिल्ली एक दूसरे के मुंह देखते रह गई। ओके वेरी गुड बेटा चलो नेक्स्ट को बता सकता हूँ हेलो हेलो मैम हाँ मैं सबके नाम दूँ आपको हाँ मैं सबके नाम बोलूँ हाँ बोलो चलो इंशिया फातिमा भोजानी यस मैम चलो ये कहानी बताओ
मैं अभी ज्वाइंट हुई हूँ, मुझे पता नहीं है ये कौन सी कहानी है। चलो नेक्स्ट। ओके मैम। इंच या बोहरा? इंशियल यस मैम। हाँ, चलो ये कहानी बताओ, इस कहानी में क्या है? हाँ दोनों को भूख लगी थी, तो उन उनको एक रोटी मिली। तो एक बिल्ली ने रोटी उठाई और भागने लगी, तो दूसरी उसके पीछे भागने लगी। और तभी दोनों लड़ाई कर रहे थे, तभी एक बंदर आया और वो तराजू लेके आया और रोटी को तोलने लगा। तो एक पर्रा भारी था और दूसरा हल्का, तो उसने भारी में से एक टुकड़ा ऐसे करके। મને તારો અવાજ નથી બરાબર આવતો, કપાય છે. હેલો, हेलो मैम वो लैप हो गई। मैम ओके नेक्स्ट. मैम साइम आसमानी। आसमानी साइमा. अच्छा मैम मेरा नेटवर्क चला गया था, बट मैंने पूरी स्टोरी कही। मैम वो भी लेफ्ट हो गई। ओके चलो नेक्स्ट कोई बताएगा. मैम गन्यानी अतैया। अतैया गनियानी. मैम वो दूसरे सब लेक्चर में आंसर देती है, और गुजराती और हिंदी का और मैथ्स का लेक्चर आता है ना, तभी नहीं देती। क्यों बेटा? क्यों ओके चलो कोई बात नहीं. मैम मंडल मारिया। मंडल मारिया. मंडल वारिया. ओके मैम मैं फिर से बोलू? इंसिया बोल। हाँ. मैम दो बिल्लियां थी और उन दोनों को भूख लगी थी, तो उनको एक रोटी मिली। तो एक बिल्ली ने रोटी उठाई और भागने लगी, और उसके पीछे दूसरी बिल्ली भागने लगी। और दोनों लड़ रहे थे, तभी एक बंदर आया और वो एक तराजू लेके आया। उसने रोटी दोनों दोनों पर्रे पर रखी, और एक पर्रा भारी था और दूसरा हल्का। तो उसने भारी वाले में से एक टुकड़ा खाया, तो वो हल्का हो गया और दूसरा भारी। तो उसमें ऐसे करते करते उसने पूरी रोटी खा ली, और फिर वो चला गया और दोनों बिल्लियां पछतावा करने लगी। ओके पठान जहरा बानू। पठान जहरा बानू. हेलो पठान जहरा बानू. नहीं हम वो आंसर नहीं दे रही और वो लेफ्ट हो गई। ओके चलो नेक्स्ट. शेख अनीशा। शेख अनीशा. हेलो शेख अनिशा, न्यू स्टूडेंट है ना? जी मैम। बोलो. हाँ चलो बेटा, आप ये स्टोरी बता सकते हैं.
यस मैम। हाँ दो बिल्लियां थी, उन दोनों को भूख लगी थी तो रोटियां चाहिए थी, तो एक बिल्ली को रोटी मिली, वहां बंदर आया तो दोनों एक बिल्ली को रोटी मिली तो दूसरी बिल्ली उसके साथ झगड़ने लगी और उसके पीछे दौड़ने लगी। बाद में बंदर ने एक बंदर आता है। तराजू बंदर ने तराजू लेकर माप दिया, दो रोटी को भाग कर, तो एक रोटी भारी थी तो उससे एक तिया, तो दूसरी रोटी भारी हो गई तो उससे तिया, ऐसे करते करते वो रोटी पूरी खा गया बंदर, और फिर दोनों बिल्लियां पछतावा हो रहे। ओके वेरी गुड। एसके उजीर, कौन बेटा कौन है? हाँ एसके उजीर, प्रेजेंट है बेटा आप। हेलो अभी पठान ज़ेरा बानो ज्वाइन तो ही। हाँ जहरा बानो छोड़ दिए पर वो आंसर नहीं दे रही है ना। हाँ मैम, और वो लेफ्ट भी हो गई है, हो गई। ओके तो चलो घबरा नहीं ना पाते माँ। ओके बेटा चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको ऐसे कहानी आएगी और उस कहानी के ऊपर ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको इस ऑप्शन में से इस ब्लैंक को कंप्लीट करने हैं। ओके तो इस कहानी का नाम है बंदरबाट। क्या है इस कहानी का नाम? बंदरबाट। ओके तो बंदरबाट नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन नंबर 5 के प्रश्न जवाब लिखेंगे। ओके।